चलो जी, नमस्कार है जी सारिआं नूं। ते अज असी अपना एपेक्स का एक यूट्यूब डिवाइस लैके आए हैं, एंड्रॉयड डिवाइस, जो कि ऑलरेडी असी यूट्यूब के उत्ते दो तीन वीडियोज भी पाए हैगे है, और सबनों दिखाया कि किस तरह ये छोटा जिहा डिवाइस एक नॉर्मल किसी भी कार दे कंपनी फिटेड प्लेयर नूं एंड्रॉयड दे विच कन्वर्ट कर दिंदा है। जी हाँ, एक किसी भी कार दे प्लेयर नूं एंड्रॉयड च कन्वर्ट कर दिंदा है। अज असी किया च बैठे हाँ सेल्टॉस के अंदर, देख सकते हो सेल्टॉस का कंपनी फिटेड प्लेयर है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, सारा कुछ इंस्टॉल है इस बाय डिफॉल्ट, और असी इस दे अंदर कोई छोटा जिहा डिवाइस भी नहीं लगावांगे, कोई डैशबोर्ड नहीं ओपन करांगे, किसी वायर नूं टच नहीं करांगे। सिंपल है, छोटा जिहा डिवाइस, यूएसबी केबल कनैक्ट करांगे इहदे ओरिजिनल यूएसबी पोर्ट के अंदर। यूएसबी पोर्ट के अंदर कनैक्ट करदे ही तुसीं देख सकते हो इत्थे कार स्मार्ट के नाम से लाइट ऑन हो चुकी है। 10 तो 15 सेकेंड टोटल लेगा, जिस तरह की एक नॉर्मल मोबाइल फोन ऑन होने च टाइम लेंदा है। उसने टाइम के अंदर अंदर ही थोड़ा डिवाइस जिहड़ा हैगा तुसीं देख सकते हो एप्पल कारप्ले रीडिंग यूएसबी डिवाइस ऑप्शन आ चुकी है प्लेयर के उपर। ऑलरेडी डिवाइस ऑन हो चुका है, हैलो कर दिती है उन्हें, एंड थोड़ी स्क्रीन जिहड़ी है, थोड़ा यूआई है, टोटली हुणे एंड्रॉयड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड स्क्रीन आ चुकी है, स्क्रीन के उपर टोटली एंड्रॉयड का यूआई आ चुका है। क्योंकि असी वीडियो शूट करने तो पहला ऑलरेडी जो अपने फोन के नाल कनैक्ट किया हो, देख सकते हो वाईफाई ऑलरेडी कनैक्टेड है। मैं तुम्हें फिर भी चेक करवा देना, वाईफाई के अंदर जाके गैलेक्सी फोन के नाल हॉटस्पॉट के नाल कनैक्टेड है ऑलरेडी। एंड दैन नाउ यू कैन प्ले एनी वीडियो, यू कैन प्ले वीडियो यूट्यूब, और कुछ भी तुसीं इत्थे सर्व कर सकते हो। इस डिवाइस की अपनी इंटरनल मैमरी हैगी है 2GB रैम है, iOS 7 के उपर चलता है, और इंटरनल 16GB मैमरी है जिस नाल तुसी इस काफ़ी डाटा स्टोर कर सकते हो। इंटरनेट का कुछ स्लो मूवमेंट करके शायद नहीं चल रहा है, एक मिनट। गैलेक्सी कनेक्टेड, यूट्यूब प्ले है, सॉन्ग प्ले करके दिखाने हैं। और तुसी एक चीज नोट करो कि इस दे नाल गाड़ी दे ओरिजिनल कोई भी फीचर्स दे नाल कोई भी टेंपरिंग नहीं हुई, कुछ भी चेंजेस नहीं आए, सारे फीचर एज इट इज ओरिजिनल वर्क कर रहे हैं। इवन वॉल्यूम, मॉड, वॉइस कमांड, सब कुछ वही चलेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि नॉर्मली किया क्रेटा जिहड़ियां लेटेस्ट गाड़ियां आ रही हैं उसके विच तुसी वीडियो नहीं प्ले कर पा रहे हो, वीडियो च दिक्कत आ रही है। इवन आफ्टर मार्केट के कुछ वीडियो इंटरफेस डिवाइस भी आते हैं जो कि डैशबोर्ड के पिछे स्टीरियो की बैकसाइड से तुसी लगा के उसको प्ले करते हो, वीडियो चलाते हो, बट अजकल लेटेस्ट किया वगैरह के विच वो भी नहीं चल पा रहे। बट मेरे को एक होर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है साडे एपेक्स के इस पिकासो डिवाइस के अंदर, बहुत ही शानदार फीचर है। विदाउट डैशबोर्ड खोले, विदाउट कोई इंटरफेस लगाए, तुसी इस दे विच वीडियो भी प्ले कर सकते हो अपनी पेन ड्राइव के थ्रू। जी हाँ, मैं दिखा रहा इस डिवाइस के अंदर अपने को यूएसबी पोर्ट है, इस यूएसबी पोर्ट के अंदर असी अपनी पेन ड्राइव वीडियो सॉन्ग वाली लगा देती है, एंड यूएसबी ड्राइव के फीचर के अंदर जावांगे, यूएसबी ऑन करांगे, म्यूजिक सॉन्ग्स है, वीडियो सॉन्ग्स है, असी वीडियो सॉन्ग क्लिक करके एंड नाउ वी आर प्लेइंग पेन ड्राइव वीडियो। सारी स्क्रीन एज इट इज ओरिजिनल टच के ऊपर काम कर रही है।
स्टेयरिंग तो बैक द फीचर भी कम कर रहे हैं, और स्टेयरिंग जो होते तुम वॉइस कमांड भी कर सकते हो। वॉइस कमांड शुरू हो गई है, गूगल प्लीज प्ले यूएसबी वीडियो। गूगल प्लीज प्ले यूएसबी वीडियो। Okay, playing you USB videos on YouTube. Okay, those are my tools. I gotta keep... And last day with your most interesting part, eh? इसके अंदर ब्लूटूथ ऑलरेडी इनबिल्ट है। जो तुसी अपना फोन इस नाल कनेक्ट कर देंगे हो, तुहाडी गाड़ी का जो कस्टम मेड ओरिजिनल माइक है, जो फैक्ट्री फिटेड माइक आ रहा है, साडा एंड्रॉयड डिवाइस ऑटोमैटिकली उसके नाल सिंक करता है विदाउट एनी वायर कटिंग, विदाउट अगेन टैंपरिंग, नथिंग, कोई भी चेंजेस किए हुए। सारे बटन ऑटोमैटिक सिंक होंगे हैं और सारे ऑटोमैटिकली ही ब्लूटूथ माइक के नाल ऑटोमैटिक सिंक बिठा लैंदा है। और हाँ, ये डिवाइस ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਕਾਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਫੀਚਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਮੇਡ ਇਨ ਤਾਇਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਏ&ਪੀ ਇੰਪੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।